सागर जिले के नरेवली थाना अंतर्गत एवं जरुआखेड़ा चौकी के नागतले मंदिरों की चोरी विगत एक ही रात्रि में हुई। श्री देव हनुमान जी के नेत्र, मुखारविंद और तिलक निकाले। वहीं नरेवली में शनि देव मंदिर से दान पेटी में रखे 6,000 रुपए आदि निकाल लिए गए। अज्ञात चोरों द्वारा ये चोरी की गई। चोरों के खिलाफ हिंदू संगठनों में रोष फूटा। पुलिस अधीक्षक को शीघ्र चोरों को गिरफ्तार करने और जरुआखेड़ा पुलिस चौकी में स्टाफ बढ़ाने के लिए मांग की। ज्ञात हो कि नरेवली थाना एवं जरुआखेड़ा पुलिस चौकी में पर्याप्त तो पुलिस बल तैनात ना होने से, पुलिस गश्त ना होने से ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने और देखने में मिलती है। आज का जो ज्ञापन है, विगत 21-22 तारीख की दरमियानी रात में हमारे परम आराध्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य श्री देव हनुमान जी महाराज जो कि पूजाघाट पे स्थित है, इनकी निर्दयी तरीके से पुलिस चौकी के बाजू में है, बड़े ही निर्दयी तरीके से अज्ञात चोरों के द्वारा, हिंदू विरोधी लोगों के द्वारा उनकी आंखें, नेत्र, मुंह निर्दयी तरीके से निकाले गए। हम सभी हिंदू संगठन, आरएसएस, समस्त ग्राम के जनप्रतिनिधि, हम सभी इसकी घोर निंदा करते हैं। अति शीघ्र चोरों को पकड़ा जाए और उन्हें जिस प्रकार से आंखें निकाली गई हैं, आंखें निकाली जाए। दूसरी बात, जरुआखेड़ा में 12 का स्टाफ है लेकिन केवल 2 पुलिस वालों के भरोसे यह पूरी चौकी चल रही है। यहाँ पर हमारे समस्त ग्रामवासियों की, क्षेत्र वालों की मांग है कि यहाँ पर पर्याप्त पुलिस स्टाफ किया जाए और बराबर ड्यूटी लगाकर ग्राम में अमन चैन शांति स्थापित हो, ऐसा पुलिस के द्वारा कार्य किया जाए। और अगर चौकी और यदि जल्दी इस कृत्य पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में राम जरुआखेड़ा पे चक्का जाम और विशाल आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन स्वयं होगा। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।